नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस पर इस फंक्शन द्वारा प्रदत्त फलन जो है उसका स्थानीय उच्चतम बिंदु हो, स्थानीय न्यूनतम बिंदु हो और नत परिवर्तक बिंदु, ये तीनों हमें निकालने हैं। चलिए देखते हैं। fx बराबर में x माइनस 2 का पावर 4 इंटू में x प्लस 1 का होल क्यूब, ये दिया है ना। चलिए इसे डिफ्रेंसिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से f डैश x क्या आ जाएगा, तो इसका डिफरेंसिएशन हो जाएगा 4x का पावर x माइनस 2 का पावर 3, अंदर वाला का डिफरेंसिएशन 1 हो जाएगा, इंटू में रहेगा ही x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस इसको ऐसे ही रख देंगे x माइनस 2 का पावर 4 और इसका डिफरेंसिएशन करेंगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, यहाँ x माइनस 2 का होल क्यूब और इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 बचेगा और इंटू में एक्स प्लस 1, ये तो निकल चुका है, इसमें से भी दो निकल चुका है, एक बचेगा प्लस, यहाँ पे देखो इसमें से एक बच जाएगा x माइनस 2 और इंटू में 3, इंटू में 3 यहाँ भी लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं 4x प्लस में 4 प्लस का 3x माइनस का 6, x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग तीन पॉइंट निकालेंगे ना f डैश x के बराबर में 0 रख के, एक हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 7x माइनस 2 बराबर 0, तो आएगा एक x का 2 आ जाएगा, एक माइनस का एक आएगा, एक 2/7 आएगा, ये तीन पॉइंट आएंगे। तो तीनों पॉइंट को चेक कर लेते हैं कि किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव जा रहा है और किस पे नहीं चेंज हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए मैं प्रथम अवकाश परीक्षण से ही कर लेता हूँ, है ना, लिख दूंगा यहाँ पे एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना पता ही है आपको, देखिए माइनस का एक, फिर 2/7 और फिर आपका 2, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। चलिए अब समझिए, इसके इधर अगर मैं माइनस 2 रखता हूँ तो यहाँ ये देखो कि माइनस 2 रखूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 2 रखूंगा तो ये प्लस में होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, और माइनस 2 रखूंगा तो ये भी माइनस में आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बीच में देखते हैं, तो इसके बीच में 0 अवेलेबल है, ये माइनस का आएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये प्लस में आएगा, यहाँ भी 0 होगा, ये माइनस में आएगा, यानी माइनस 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 प्लस हो जाएगा। इन दोनों के बीच कोई भी पॉइंट लो, जैसे 1 है, 1 रखेंगे तो ये माइनस का प्लस का और ये प्लस का, यानी कि ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव होगा ना। चलिए अब अगर मैं 2 से ग्रेटर की बात करूँ, जैसे 3 की बात करूँ, 3 रखूंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी कि इसके बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ हम लोग तीन कंडीशन लिख सकते हैं, पहले के लिए हमें किसके लिए बताना था, हमें दिखाना था स्थानीय उच्चतम बिंदु, स्थानीय उच्चतम बिंदु। तो यहाँ देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स का चिन्ह किस पे, एक्स बराबर 2/7 पर, अब इसमें लिख सकते हो ना पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है, तो ये महत्तम मान वाला बिंदु हो जाएगा, महत्तम मान वाला बिंदु, ये न्यूनतम मान वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, और ये नति परिवर्तक बिंदु हो जाएगा क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो तीनों आप लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देंगे कि x बराबर 2 पर f डैश x का चिन्ह, f डैश x पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है इसलिए x बराबर 2/7 स्थानीय महत्तम मान वाला बिंदु है। उसी तरह सबको लिख देंगे नति परिवर्तक बिंदु कौन है, -1 है, क्योंकि इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर